नमस्कार, स्वागत है आप देख रहे हैं टीएसटी न्यूज लाइव और सच्ची खबर पर आपकी नजर। मैं हूं आपके साथ पिंकी। आई नजर डालते हैं आज की खबर। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जनपद से है। यहां मुगलसराय कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने सटीक सूचना पर घेराबंदी कर एक खंडहर नुमा मकान में छापेमारी कर अवैध असलाह फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और 24 अर्ध निर्मित तमंचा, 19 जिंदा कारतूस व खोखे बरामद किया है। मौके से असलाह बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है और मामले की आगे कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे जनपद में बड़े पैमाने पर धरपकड़ अभियान चल रहा है और पुलिस का खुफिया तंत्र सक्रिय हो गया है। इसी बीच मुगलसराय कोतवाली पुलिस को सूचना मिली, कोतवाली क्षेत्र के व्यासनगर इलाके में खंडहर नुमा मकान में असलाह बनाया जा रहा है, जिस पर पुलिस ने मकान की घेराबंदी कर छापेमारी की और मौके पर एक व्यक्ति असलाह बनाते हुए पकड़ा गया। चंदौली से हमारे संवाददाता सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। पुलिस द्वारा एक बड़ी कामयाबी प्राप्त हुई है और एक असलहे की फैक्ट्री बरामद की गई है। अभियुक्त संजय शर्मा नाम का है, गिरफ्तार किया गया है, जो नदेसर मारूफपुर थाना बलुआ का रहने वाला था और ब्यासनगर क्षेत्र में मुगलसराय में खंडहर नुमा मकान में वो असलहे बनाने का काम कर रहा था। उसके कब्जे से निर्मित और अर्धनिर्मित लगभग 24 असलहे, 19 कारतूस, खोखा कारतूस और असलहे बनाने के फैक्ट्री में उपयोग होने वाले तमाम तरह के उपकरण बरामद किए गए। ये कहाँ से ये सब लाता था और किसको सप्लाई करता था? इसका कहना है कि ये जो बाज़ारों में मार्केटों में कबाड़ के सामान जहाँ मिलते हैं वहाँ से पाइप आदि की व्यवस्था करता था। लोहारी के सारे सामान इसके पास पहले से ही उपलब्ध थे और बिल्कुल आधुनिक तकनीक से असलहे बनाना और उसको फिर आवश्यकता अनुसार अपराधियों को सप्लाई करना इसका काम था। लोकसभा चुनाव इस समय है, क्या ऐसा कुछ इसमें सामने आया कि इस चुनाव में गड़बड़ी की आशंका से कुछ लोग इस असलहों को खरीदने की फिक्र में थे? नहीं, अभी तक ऐसी कोई बात जानकारी में नहीं आई है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो असलहे बना रहा था इनका उपयोग कहीं ना कहीं या तो अपराध जगत में या फिर चुनाव आदि में भी किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके द्वारा जो अब सूचनाएँ हमको प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर हम इसमें अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं।